नगर पंचायत चुनाव का दौर दहलीज पे है। चुनाव की तैयारियां अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। चुनाव से इतर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में कुछ नए बनाए हुए नगर पंचायत हैं जिनमें पहली बार चुनाव होना है, और पहली बार चुनाव को लेकर तरह तरह की शंकाएँ होती हैं और अपनी चुनौतियाँ अलग होती हैं। जहाँ पहली बार कोई चीज़ होनी है वहाँ को लेकर ढेर सारी चर्चाएँ होती हैं। राजनीति के में पुराने पुरोधा जो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र की राजनीति को समझते हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं, क्षेत्र के विषय में जानते हैं, और ये जानते हैं कि क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएँ हैं जिसपे काम करने की ज़रूरत है, क्षेत्र की ज़रूरत क्या है, लोग क्या चाहते हैं और लोगों की आवश्यकता क्या है। इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए आपके साथ फ्रेम में है काफ़ी दिनों से पनियरा क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर सक्रिय पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश जायसवाल जी, और इनसे हम जानेंगे कि राजनीतिक जीवन में क्या इनकी उपलब्धियां रहीं, किस तरह से इन्होंने राजनीतिक जीवन में काम किया, और वर्तमान समय में जो नगर पंचायत पनियरा है उसके चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं, क्षेत्र की जनता की क्या डिमांड है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या उपलब्धियाँ होंगी जिसको लेकर ये चुनाव में जाएंगे। चुनाव के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं, अलग अलग पार्टियों से मैदान में है, पार्टीगत या फिर किसी चुनावी सरगर्मी को छोड़कर हम जनता के बीच की समस्याओं, जनता के मुद्दे और राजनीतिक चुनौती के बारे में बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। कब से राजनीति जीवन में हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? जी, मैं व्यवसाय परिवार से था और मन में इच्छा जगी कि मैं जनसेवा करूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पहली बार लड़ा, जिसका श्रेय माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह को जाता है। उन्होंने हमको ब्लॉक प्रमुख बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया, निर्बोध हमारा प्रमुख कराए, फिर दोबारा भी हमारा चुनाव हुआ, उसमें भी माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो उस समय भी यहाँ पर जो बीजेपी के संगठन के लोग हैं उसमें हमारा सहयोग किए। इस बार लगातार मैं तीन बार से ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ क्षेत्र का, और मैंने जो हमसे हो पाया है, जो हमारे सीमित संसाधन थे, मैंने विकास करने की कोशिश किया हूँ क्षेत्र का। अभी पहली बार नगर पंचायत पनियरा पहली बार नगर पंचायत हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ मैदान में हैं, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और ग्राम पंचायत से नगर पंचायत होने से जनता को क्या लाभ हो रहा है? देखिए, नगर पंचायत होने से सबसे बड़ी बात होगी साफ़ सफाई, जो गांव गली की साफ़ सफाई होती है नालियों की, ये सबसे बेटर हुई है। लाइटिंग सुविधा बढ़ी हुई है, लोगों की सारी सुविधाएं हो रही हैं, तो नगर पंचायत से बनने से तो शहरी जो क्षेत्र की सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो मिल रही है हम लोगों को। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने नगर पंचायत बनाया। और रही बात विकास की, तो विकास तो अछूता है हमारा क्षेत्र, क्योंकि जितने सीमित संसाधन मिलनी चाहिए ग्राम पंचायत को मिल नहीं पाती थी क्षेत्र पंचायत को, वो हमको उम्मीद है कि नगर पंचायत में वो व्यवस्थाएं मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाएगा क्षेत्र का। अगर कहा जाए तो काफ़ी मतलब 1.5-2 साल हो गया इसको डिक्लेयर हुए, कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? एक काम हुआ है और हमको लग रहा है बेटर काम हुआ, और उम्मीद मैं करता हूँ कि नए चुनाव आने से और नए अध्यक्ष आने से इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। किन किन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है यहाँ? ज़्यादा करके मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अभी तो सरकार ने जो आवास विहीन थे सरकार ने बहुत बेटर काम किया है, जिनको आवास नहीं था बहुत ज़्यादा आवास दिया है, आवास विहीन लोगों को आवास तो बहुत मिल चुका है और आवास देने की ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पर प्रमुख समस्याएं हैं जैसे गांव की सड़कें जो हैं, शिक्षा है, इस सब पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में आजकल अपने क्षेत्र में एक समस्या युवाओं को लेकर है, ओपन जिम बन रहा है, काफ़ी अच्छा पार्क बना है, काफ़ी अच्छा तिरंगा दिख रहा है, तो रोज़गार के किस तरह के अवसर आपके क्षेत्र? देखिए, रोजगार की अवसर तो यहाँ पर समस्या है, क्योंकि यहाँ पर उस टाइप का कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से बन करके ये हमारा नगर पंचायत हुआ है, तो रोजगार के विषय में मैं माननीय मंत्री जी से बात करूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा विकल्प दें कि जिससे यहाँ के युवाओं को बाहर जाने का मौका ना मिले, यहाँ पर रोजगार मिले। सड़क के साथ बिजली की भी एक समस्या होती है, और शिक्षा में स्कूलों की बात होती है, स्कूल शासन स्तर से आता है, नगर पंचायत के दायरे में नहीं है, फिर भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर किस तरह का काम होगा उसमें? देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ, मुझे जानकारी है इस चीज़ों की, और शिक्षा की बात है तो शिक्षा में जो बेटर होता है, बेटर से बेटर मैं व्यवस्था कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें गाँव की जनता को दिमाग में रहता है कि सरकारी स्कूलों में बेटर शिक्षा नहीं मिलती है। तो सबसे फोकस हम लोग का रहेगा माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी के माध्यम से, कि जो नगर पंचायत में जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं तो शिक्षा बेटर हो और उसमें लोग उससे जुड़ें, जब शिक्षा बेटर होगा तो सारी विकास अपने आप व्यवस्थाएं होंगे। अब ये बात करें कि आप चुनाव की तैयारी में हैं, और चुनाव में अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या प्रमुख काम होंगे जो करेंगे?
जनता की डिमांड पर जो जनता तय करेगी आवश्यकता के हिसाब से मैं काम करूँगा। ये कहा जाता है कि हर इंसान जब किसी चुनावी मैदान में होता है उसका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कुछ ऐसा आपके दिमाग में है? ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में नहीं है। जो भी शासन का मंशा होगा, शासन का जो बजट उपलब्ध होगा, जनता के बीच में वो रखा जाएगा और जनता तय करेगी और सभासद तय करेंगे अगर मैं होता हूँ तो। चलिए, आपने राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक विषय पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत का चुनाव धर्म, जाति और बाकी समीकरणों से ऊपर उठकर क्षेत्र की जनता के लिए हो। एकदम, मैं लगातार मैं तो कर चुका हूँ, 15 साल रह चुका हूँ और मेरा कार्यकाल आप पता कर सकते हैं। मेरे कार्यकाल में मैं किसी बिना भेदभाव का सबका सब मैंने काम किया हूँ जितना मेरे से हो पाया है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं और हर अपेक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर भी जितना हो पाएगा नगर पंचायत के माध्यम से अगर मैं होता हूँ तो जितना हो पाएगा मैं उनके हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। ये आपने समय दिया, बात की, धन्यवाद। धन्यवाद। तो नगर पंचायत के आने वाले चुनाव के लिए, जिसको 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, इससे संबंधित जो भी प्रतिनिधि होंगे, जो भी प्रत्याशी होंगे, उनसे और जनता की राय, जनता क्या सोचती है और किस तरह के चुनाव की तरफ देखती है, इस पर परिचर्चा आपके सामने इसी तरह सामने लाते रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में और किन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना चाहते हैं और किसी ने अगर बेहतर काम किया है, कोई क्षेत्र में बढ़िया से एक्टिव है, उसके बारे में भी जानकारी आप हम तक पहुँचाएँ। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद।